चिलचिलाती गर्मी में, धूप में, लू में बॉडी को ठंडा रखने के लिए गांव में इस तरह से लोग अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। वहीं के ड्रिंक में दो आज बनाने जा रही हूँ, सत्तू का शरबत जो समर कूलर भी कहलाता है, और दूसरा दोस्तों गन्ने का जूस का शरबत जो घर में बनाएंगे। क्या मैंने यूज किया गन्ने के बदले, इसको जानने के लिए बनाने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के अंत तक। सबसे पहले बनाने जा रहे हैं हम गन्ने के जूस का शरबत। गन्ना तो हमारे पास नहीं है दोस्तों, घर में गुड़ होता है तो गुड़ भी गन्ने से ही बनता है, तो इसका शरबत सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 150 ग्राम मैंने गुड़ ले लिया। गुड़ को आप चाहे तो घिसने वाले में घिस भी सकते हैं। और ये मैंने डाल लिया पुदीना, 150 ग्राम गुड़ है। पुदीना ले लिया मैंने 1/4 कप। अदरक आधा इंच डाल लिया दोस्तों। अब डाल लेंगे चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला। 2 से 3 गिलास इसमें आपका जूस तैयार हो जाएगा। ये जूस पेट के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। अब डाल लेंगे दोस्तों काला नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, डाल लेंगे सफ़ेद नमक, ये भी टेस्ट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। नींबू निचोड़ लेंगे। गुड़ हमारे बॉडी में आयरन की कमी को भी पूरा करता है, और जब इसका शरबत बन जाता है तो ये इसकी तासीर ठंडी हो जाती है। गर्मियों में इसको ज़रूर बनाएं, पिएं, बच्चे को खूब पिलाएं और खूब हेल्दी रखें। तो ये मैंने डाल लिया कुछ बर्फ के टुकड़े। डाल लेंगे पानी, ठंडा पानी डाल रहे हैं दोस्तों। नमस्कार, मसाला भाई माला के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की जो डिश है वो बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग होने जा रही है। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। जाते जाते दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबा कर जाइए। इसको बनाकर आप फ्रिज में रख भी सकते हैं। अब मैंने इसका मिक्सी में इसको चला लिया, तो हमारे 2 से 3 गिलास आराम से गुड़ का शरबत तैयार हो गया। ठंडा ठंडा, कूल कूल, हेल्दी, एकदम चटपटा सा शरबत, मीठा मीठा, एकदम थोड़ा सा खट्टा, तो पी के आपको मजा आ जाए। तो चलिए ये शरबत तैयार। गुड़ का, पुदीना, गुड़ और नींबू, विटामिन सी का अच्छा स्रोत, तो ये मैं डाल रही हूँ। वाओ, टेस्ट देखिए इसका, आप पी के ही देखेंगे। मुझे तो देख के इसको इतना अच्छा लग रहा है, अब इसे बॉडी में इतनी कूलिंग फील हो रही है। तो बनाइए, खुद भी पीजिए, अपने परिवार को पिलाइए, पड़ोसियों को पिलाइए, वो आपकी खूब सराहना करेंगे। ये देखिए दोस्तों, गन्ना तो नहीं है पर गन्ने से बने हुए गुड़ का शरबत रेडी है इन गर्मियों में आपके लिए, बिल्कुल हेल्दी हेल्दी हेल्दी। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आप कमेंट नहीं करते, प्लीज कमेंट कीजिए कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, स्टेट का नाम जरूर मेंशन कीजिए। इस समर में आप अपने घर में क्या बनाते हैं जरूर कमेंट कीजिए। अब मैं बनाने जा रही हूँ सेकेंड ड्रिंक, सत्तू का शरबत। जी दोस्तों, मैंने यहाँ पर ले लिया है जो भुने हुए चने होते हैं, चने को मैंने पीस लिया मिक्सी में और उसको छान लिया। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है, ये देखिए, उसका 1/2 कप के करीब में सत्तू ले लिया, 1 मिर्ची ले ली, 1/2 इंच अदरक का बारीक कटा हुआ ले लिया टुकड़ा, जीरा पाउडर ले लिया 1/2 छोटा चम्मच, थोड़ा सा प्याज ले लिया मैंने। अब डालूंगी इसको टेस्टी बनाने के लिए पुदीने की चटनी। हाँ दोस्तों, बहुत ही यम्मी लगती है, बनाइए। और डाल लिया इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, इसको और अच्छा टेस्ट देने के लिए। नमक डाल लेंगे इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों, काला नमक डाल लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। चना जो है समर कूलर कहलाता है, गांव में इसको सुबह सुबह बहुत ही बना के पिया जाता है। इसमें पानी ऐड करके पहले इसको घोल लेंगे। यूपी, बिहार, झारखंड का बहुत ही फेमस गर्मियों का ड्रिंक है ये, आप बनाइए पीजिए, अपने कमेंट आकर मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। ये डाल लेंगे थोड़ा सा धनिया, पहले इसको घोल लेंगे, गाढ़ा गाढ़ा घोल लेंगे। धनिया डाल लिया, धनिया काफी अच्छा फ्लेवर दे देता है। अब डाल लेंगे नींबू का रस। फाइनली ये देखिए, नींबू निचोड़ लेंगे। ये ड्रिंक मैंने पहले भी बनाया हुआ है, अभी यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाए। और आप इसको इस तरह से डेली बना के पीजिए, पुदीना बहुत ही अच्छा होता है, बॉडी को ठंडक देता है, पेट को भी ठंडक देता है। तो चलिए फाइनली पानी डाल लेंगे, मैंने घोल लिया है। ये भी 2 से 3 गिलास हमारा आराम से तैयार हो जाएगा, 2 गिलास तो ये बनी जाएगा दोस्तों। इसको बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं जब जरूरत हो एक दिन में, तो आप इसको ठंडा ठंडा बर्फ डाल के आइस क्यूब डाल के सर्व कर सकते हैं। मैंने घोल लिया, अच्छे से तैयार हो गया, सारी चीजें अच्छे से घुल गई हैं, चलिए सर्व कर लेते हैं। ये मैंने बड़ा ग्लास ले लिया है, डाल लिया चने के सत्तू का शरबत, यूपी बिहार का फेमस शरबत, रेडी है। इस समर में बॉडी को नेचुरल कूलिंग देता है, हाई प्रोटीन शरबत है ये, लीजिए। मैंने हल्का सा नींबू डाल दिया, मन हो तो डालिए नहीं तो स्किप कर सकते हैं, अच्छे से घोल लीजिए। और
अब मैं इसको करूंगी टेस्ट और अपने बेटे को भी कराऊंगी टेस्ट। दोस्तों मैंने पूरी फैमिली के लिए बनाया हुआ है, तो अभी बेटा पास में ही है तो उसको टेस्ट करा रही हूँ। झकास, जीरा वाटर जैसा। और आगे मैं आपके लिए क्या बना सकती हूँ जरूर बताइए दोस्तों, कमेंट नहीं करते हैं प्लीज प्लीज जरूर कमेंट कीजिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और चने का सत्तू आपको डायरेक्ट ठीक है, नहीं तो आप चने से भी पीस कर सत्तू बना सकते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।